हाँ जी। ब्रह्मा शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं या नहीं छोड़ रही हैं? शरीर छोड़ करके प्रवेश करती हैं या नहीं करती हैं? और प्रवेश करने के बाद उनको ज्ञान समझने में तकलीफ होती है या जल्दी समझ लेती हैं? प्रवेश करने वाली आत्माएं भूत प्रेतानी आत्माएं हैं, और जिन रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश हो रहा है वो भगवान के बच्चे बनते हैं। भूत प्रेतों को भी चेंज कर देते हैं। ये है ही भूतों की दुनिया। देवताओं की दुनिया तो अब आनी है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी बोला है कि मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों से ही प्राप्ति करते हैं। तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले भी हैं दुनिया में, मूर्ति में जो दूसरी मूर्ति है जिसको जनेऊधारी दिखाया जाता है, महारुद्र कहा जाता है, उसको फॉलो करने वाले भी हैं। और फिर तीसरी मूर्ति विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण को भी फॉलो करने वाले हैं। अभी संगम युग में देवताएं तो कोई भी नहीं है, या तो भूत प्रेत हैं या तो मनुष्य हैं। मनुष्य ही भगवान को पहचानते हैं क्योंकि भगवान के बताए हुए ज्ञान पर मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो बाप को भी पहचान लेते हैं और अपने पार्ट को भी पहचान लेते हैं। और शूटिंग हो रही है, शूटिंग कैसी हो रही है? ब्रह्मा की शूटिंग कैसी हो रही है? जैसी ब्रह्मा की शूटिंग हो रही है ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की भी शूटिंग हो रही है। भटकने वाली आत्माएं दूसरों को भी भटकाती हैं और ठिकाने लगने वाली आत्माएं दूसरों को भी ठिकाने लगाती हैं। निश्चय बुद्धि होगा तो दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, अनिश्चय बुद्धि होगा तो दूसरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनावेगा। समर्पित बुद्धि होगा तो दूसरों को भी बनावेगा। जो जैसा होता है वैसी ही रचना करता है। और शिव बाबा गरीब निवाज है। पहले गरीबों को उठाते हैं, बाद में करोड़पति पदमपति भी निकलेंगे। फिर बाबा की इच्छा है, जिसको उठाना चाहेंगे उठावेंगे, नहीं उठाना चाहेंगे नहीं उठावेंगे, जिसका चाहेंगे लेंगे और नहीं चाहेंगे नहीं लेंगे। और है शरण में कन्याएं माता ही होंगी। पुरुष नहीं होंगे, भटकते होंगे, सेवा के लिए भटकते होंगे, सेवा के लिए भटकते होंगे, स्वर्ग की बात न करो ना। स्वर्ग तो कहा ही उसे जाता है जहाँ स्वयं स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ये संगम युगी स्वर्ग की बात है। कि जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं, स्त्री स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, वो संगम युगी स्वर्ग में रहेंगी। और दुर्योधन दुश्शासन स्वभाव वाले हैं तो उनको सेवा के लिए अंत तक भटकना पड़ेगा। इसलिए मुरली में बोला है, तुम अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। जो पवित्र आत्माएं हैं वो पहले ही ठिकाने पर पहुंच जावेंगी, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या अपवित्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा रह जाएंगे। तो भाव स्वभाव और संस्कार की बात है, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है। चंद्रवंश से निकली हुई विजयमाला की आत्माओं में भी बहुत ऐसे होंगे जो पुरुष चोले वाले होंगे, परंतु उनके स्वभाव संस्कार कैसे होंगे? कन्याओं माताओं जैसे होंगे। और आत्माओं को सेवा में रहना पड़ेगा अंत तक। रुद्रमाला में भी कोई स्त्री चोले वाले हैं, कोई पुरुष चोले वाले हैं। मुख्य आत्मिक स्थिति की बात है, प्योरिटी की बात है। और इनमें प्योरिटी और आत्मिक स्थिति होगी। रुद्रमाला के मंत्रों में तो वे अंत तक सेवा के लिए बाहर नहीं भेजे जाएंगे। तो रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाले। रुद्र का कनेक्शन, रौद्र रूप का कनेक्शन कौन से विकार से होता है? क्रोध विकार से होता है। मुरली में बोला है जिसमें क्रोध होगा उसमें काम विकार का अंश जरूर होगा। क्योंकि कामेश क्रोधेश होते हैं। और अब आज के मुद्दे में बाबा ने कहा है कि लखोपति करोड़पति लगेंगे तो अपनी जगह लेंगे आगे सेवा को, और उसका बाबा नीचे उतरेंगे। उसका मतलब क्या है? अभी करोड़पति अरबपति जो दुनियावी तरीके से बड़े बड़े आदमी हैं वो ज्ञान को समझ रहे हैं या ठुकराए रहे हैं। तो ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि दुनिया में सब समझेंगे कि भगवान आया हुआ है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो भगवान बाप इस सृष्टि में नीचे उतर आवेगा। नीचे उतरने का मतलब अभी तो गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। और हाँ जी, वार्तालाप में बोला है इंदौर के कि रोने से दुख दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। और बाबा ने बोला है रोना मना फेल। ये दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा कहते हैं। बाबा की मुरली में आए दो धारणा बहुत पक्की करनी है, रोना माना फेल, कभी भी रोना नहीं है, और मानने से मरना पड़ता। ये बाबा कहते हैं। संगम युग रोने की दुनिया है या मौज मनाने की दुनिया है? रोना माने खोना। देह अभिमान रोता है या आत्मा अभिमानी रोता है? देह अभिमानी ही रोते हैं। और कि आज अंधेरे में इंसान तो उसका बेहद का अर्थ क्या होता है? पहचान नहीं पाते हैं तो अंधेरे में है या उजाले में है। आज पहचानते हैं, कल माया भुलाए देती है। तो अंधेरे में है या उजाले में है? हैं? अंधेरे में ही कहेंगे। आज जिंदा हैं, बाप के बच्चे बने हैं, और कल कल माया सुलाए देती है, मर जाते हैं। तो कौन सी दुनिया में? मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में ही कहेंगे। और जब देवता राम मार्ग में जाते हैं उसका नाम चित्र कई स्थानों पर भारत में, जैसे औरंगाबाद या गुना या फिर खजीरा आदि, तो ये त्वचा कहीं ना कहीं खास महत्व या भारत में और माइक को दूर रखो थोड़ा। ये पूजा के स्थान है औरंगाबाद या खजीरा या फिर गुनाथ मंदिर, इस स्थानों के लिए भारत के चित्र है। जब देवता राम मार्ग में जाते हैं कभी के हाँ देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं फिर इसके चित्र कई स्थानों पर है। हाँ जैसे औरंगाबाद में है ना। हाँ या खजीरा या फिर जगन्नाथ मंदिर। हाँ जी तो ये तीन स्थान भारत में और कहा नहीं है, तो एक स्थान में कोई विशेषता है क्या? सूर्य मंदिर की ये विशेषता है कि जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो सूर्य मंदिर में ही रहने वाले हैं। उनके अंदर ये ज्ञान भरा हुआ है। इंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धियोग से ऊपर हैं या नीचे हैं? हैं? ऊपर की स्टेज में हैं। इसलिए जो अज्ञानी हैं वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं, जो ज्ञानी है ऐसी स्टेज को समझ लेते हैं कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कैसे उपराम रहा जाता है। और शंकर में कहा गया है कि माउंट अबू का आपको खरीदना पड़ेगा, आपको बड़ी विवाद आपके गरीब बच्चे तो ये ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? माने गरीब बच्चे गरीब ही रहेंगे? ये ज्ञान जो है ये ऐसा वंडरफुल ईश्वरीय ज्ञान है कि जो ज्ञान रतन है तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। तो दुनिया में तुम सबसे जाती साहूकार बन जावेंगे या गरीब बन के रहेंगे? तो माउंट आबू तो क्या सारी दुनिया तुम्हारी हो जावेगी। और आज स्मृति दिवस है तो फिर आज का दिन और मम्मा का दिन कैसे? माना जब शरीर छोड़ते हैं तो स्मृति मनाई जाती है। जन्मदिन की स्मृति मनाई जाती है या शरीर छोड़ने की स्मृति मनाई जाती है? है? वो वियोगी याद है जो शरीर छोड़ने की स्मृति मनाते हैं, उनको योगी कहेंगे या वियोगी कहेंगे? है? वियोगी हो गए। और मम्मा ने भी ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो किया तो वो भी भटकती हुई आत्मा है, भटकती हुई आत्मा माने जाएंगे या प्रवेश करती हो? हाँ प्रवेश करती है मम्मा। हाँ तो अभी आपने जिक्र किया कि भटकती हुई ब्रह्मा को जो फॉलो किया है वो भटकती हुई आत्मा रहती है। हाँ तो और क्या समझते हो कि मम्मा ठिकाने लग गई? छोटी माँ का जो पार्ट है वो वर्तमान समय में ईश्वर बाप को पूरा पहचान करके ठिकाने लग गया है या अभी भी भटका हुआ है? और छोटी माँ में ही माँ प्रवेश करती है। अम्मा के संदेश को जोड़ी है, संदेश को मम्मा ही जोड़ी है, मम्मा ही देती है। क्यों बाबा संदेश नहीं देते हैं? बाबा तो साकार में देते हैं। जो दीदी दादियाँ संदेश लाती हैं वो मम्मा का ही लाती हैं या बाबा का भी लाती हैं? दोनों का ही लाती है। और जैसे आज की छोटी है छोटी माँ, बाबा ने कहा कि छोटी माँ आज भी बाबा के साथ तो है नहीं, पार्ट आज की बेहतर की भी पार्ट है। तो फिर बाबा ने ये क्यों कहा कि अफ्रीका से वास्तव में सेवा अफ्रीका ने क्यों की है? हाँ, सेवा की है, सेवा की है, लेकिन ठिकाने को नहीं पाया है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अभी शिव की शक्ति नहीं बनी है। अभी दूसरों के आधार पर चलती है। बाबा ने असली सेवा अफ्रीका वालों ने किया, अच्छी की है सेवा, अच्छी की है। बेसिक में भी बुरी सेवा भी है और अच्छी सेवा भी है। हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं। चंद्रवंशियों में भी अच्छी सेवा करने वाले भी हैं और बुरी सेवा करने वाले भी हैं। जैसे हर धर्म में अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे बताया। असली होगा ना, असली सेवा असल बाप से जुड़ा हुआ होगा, बेसिक के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से नहीं। वो तो जब से वो ज्ञान में आई, बाबा को सरेंडर हो गए थे, तब से ही तो बाबा को पहचान लिया। नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास जब सरेंडर हुए थे, ब्रह्मा बाबा के पास सरेंडर होना है या शिव बाबा के पास सरेंडर होना है? शिव बाबा के पास सरेंडर। तो फिर जो असली सेवा की बात हो, असली शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है? शिव बाबा। तो फिर असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू है, असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू। हाँ, बेसिक के हिसाब से। तो पहले भी चल रहा है बाबा? पहले नहीं चल रहा है, बहुत कुछ मिक्स है। 10 धर्म की आत्माएं 10 प्रकार की सेवा कर रही है। उनमें सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए, बाकी रह गए चंद्रवंश से लेकर के और धर्मवंशी। तो वो सब अपने अपने प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। और हाँ जी, यही कारण बनता है कि छोटी माँ बाबा को अभी तक पहचान नहीं पाती है। छोटी माँ बाबा को पहचान नहीं आती है, यही कारण है कि मम्मा छोटी माँ है ना, वो मम्मा के। रुको हाँ, हैं छोटी मम्मा है वो मम्मा के साथ पहचान नहीं पा रही, यही कारण है। नहीं, कारण ये नहीं है। असली कारण ये है कि ये ज्ञान जब तक रूबरू बैठ करके न सुनाया जाए तब तक किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। दूर दूर की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक को बैठ करके समझाओ। ये राजाई स्थापन हो रही है। प्रजा बनाई बेसिक में, हुजूम के हुजूम लोगों को संदेश दे दिया। वहां राजा रानी कोई नहीं बना। राजा रानी बनाने के लिए एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पुराने शास्त्र हैं, कठोपनिषद आदि, उनमें भी ये वर्णन आया है कि एक शिष्य एक गुरु के साथ बैठता था आध्यात्म ज्ञान लेने के लिए। आज के गुरुओं की तरह हुजूम के हुजूम को ज्ञान नहीं दिया जाता। ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए अव्यभिचारी दृष्टि चाहिए, अव्यभिचारी वृत्ति चाहिए, अव्यभिचारी वाचा चाहिए और अव्यभिचारी ज्ञान चाहिए। और अभी दोनों की शिव बाबा को रंग का संग नहीं लगता, रंग का संग नहीं लगता, संग का रंग नहीं लगता, रंग नहीं लगता। तो जो राम वाली आत्मा है अभी, उसका ब्रह्मा के ऊपर इफेक्ट है, ब्रह्मा का इफेक्ट पड़ता है क्या राम वाली आत्मा पे? क्योंकि अभी अगर इफेक्ट अंत तक पड़ता रहेगा तो अंत मते सो गते हो जाएगी। क्या कहा? अगर कोई आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी दूसरे से आदि से अंत तक प्रभावित होती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा अंत में? अंत मते सो गति हो जाएगी। फिर तो बैल ही शंकर के ऊपर सवार बना रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि हाई जंप लगा करके शंकर बैल के ऊपर सवार हो जावे। बैल पर शिव सवारी नहीं करते हैं। शिव की सवारी जानवर में होती है या मनुष्य में होती है? मनुष्य में शिव सवारी करते हैं और मनुष्य जानवरों पर सवारी करते हैं। और बाबा छोटी माँ का पहला निश्चय बैठेगा शिव बाबा के ऊपर या ब्रह्मा बाबा का पहला निश्चय होगा? अब्बल नंबर में जाने वाली, संगम युग में ऊंच पद पाने वाली आत्मा कौन है? ऊंच पद संगम युग में पाया जाता है या सतयुग में पाया जाता है? तो कौन सी आत्मा संगम युग में ऊंच पद पाएगी? तो रचयिता कौन हुआ और रचना कौन हुआ? अरे रचना कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा रचना हो गए और छोटी माँ रचयिता की स्टेज में आ गई। तो बड़ा कौन हुआ? रचयिता ही बड़ा माना जाता है। और धर्मराज जी तो शिव बाबा के डायरेक्शन से शिक्षा देते हैं ना? है धर्मराज शिव बाबा के डायरेक्शन से शिक्षा देंगे तो सबसे बड़ा धर्मराज तो शिव बाबा हो गए। शिव बाबा के डायरेक्शन से ही धर्मराज को सजा देनी है। धर्मराज ऊंचा है या शिव बाबा ऊंचा है? शिव बाबा ऊंचा है, धर्मराज उसके नीचे काम करने वाला है। और नाला सोपारा का अर्थ क्या? बेहद नहीं। यहाँ सुपारी पहले ज्यादा होती थी, इसलिए नाम सोपारा पड़ गया। और नारियल के वृक्ष यहाँ बहुत होते थे, अभी भी हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था। इसलिए दोनों को मिलाकर के नाला सुपारा बन गया। और बंबई है, समंदर के किनारे है, लेकिन सारी बंबई में सबसे जास्ती नारियल कहाँ होता है? नारियल होता है या रियल होता है? नारियल होता है। और नारियल है जो रियल नहीं है, पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। वो नाला सुपारा से प्रत्यक्ष हो जाता है। बंबई हर हर बम बम की नगरी है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो कौन सा देवता है विनाशकारी? है शंकर को ही विनाशकारी देवता कहा गया है। परंतु क्या वो विनाश करता है? खुद तो नहीं करता है, करता है या कराता है? कराता है, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है और प्योरिटी से स्थापना होती है। तो ये खासियत है। प्रैक्टिकल करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। तो बाबा एक आत्मा के लिए ये विधि खुला है जो प्रैक्टिकल में करने वाला है। एक चना अकेला भाड़ फोड़ता है या सहयोगी भी होते हैं? आज की मुरली में भी क्या आया? अकेले स्थापना होती है या नंबरवार स्थापना और विनाश करने वाले होते हैं? नंबरवार होते हैं। और बाबा खारीगांव में बाबा संदीप के बीच में बैठे थे, और यहाँ पे नाला सोपारा में बाबा राइट साइड पे शिफ्ट हो गए, कॉर्नर ले लिया बाबा ने। दुनिया लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? दुनिया लेफ्टिस्ट है। आपको राइटियस में जाना है कि लेफ्टिस्ट में जाना है? हा? तो कैसे जाएंगे? फिर और आज की मुरली में बोला ड्यूटी के ब्राह्मणों के लिस्ट में आना है तो दूध पानी छोड़ना है तुम्हें। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सब बीज है, सब प्रकार के बीज यहाँ है एडवांस में, जहाँ बेसिक में नहीं तो सब प्रकार को। ऐसे कौन से ब्राह्मण है जो लिस्ट में आएंगे? ड्यूटी के। किस लिस्ट में? ड्यूटी के ब्राह्मण। छोटी का मतलब संगम युग के वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण जिनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हैं। कितने हैं? 8 नहीं, उनके सहयोगी नहीं है, हैं 4.5 लाख हैं। 7 चोटी के ब्राह्मण हैं। और बाद में है मस्तक समान देवताएं, वो कौन से युग में होंगे? है सतयुग में होंगे। और मस्तक में शिव का वास होता है या चोटी में शिव का वास होता है? तो ये चोटी समान ब्राह्मण है जिनकी बुद्धि में शिव बाबा बैठा हुआ है, वो शिव बाबा ही सर्विस करते हैं और कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने हुए हैं, तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या डिससर्विस करती है? डिससर्विस करती है। तो ऐसी कौन सी खास बात है इन बच्चों में जो बाप इन बच्चों का सहयोगी बन जाता है? हाँ, दुनिया ने बाप को नहीं पहचाना, चंद्रवंशी आत्माओं ने भी बाप को नहीं पहचाना, दूसरे धर्म की आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इन बच्चों ने बाप को पहचान लिया, मान लिया और जान लिया। इसलिए बाप इन बच्चों का सहयोगी बनता है। और हाँ जी, सारी दुनिया के बीज कहाँ हैं? तो बाबा किसके सहयोगी बने? अरे बाबा असुरों का बाप नहीं है क्या? बाबा असुरों का भी बाप है और बाबा देवात्माओं का भी बाप है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया में भी हीरो पार्टधारी कोई दूसरा हो जाता है या वही आत्मा रहती है? वही आत्मा रहती है। तेरी बात वो सूर्यवंशी का पार्ट या असुरों से टक्कर लेने का आखिरी दिन तक पार्ट? असुरों से टक्कर लेने के लिए बड़ा असुर होना चाहिए या छोटा असुर होना चाहिए? लेकिन यहाँ देवताओं वृत्ति बनानी है तो वो बात संगम के साथ किसका देता है? हाँ, देवताओं का साथ देगा, दिव्य गुण जिनमें होंगे उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं आत्माओं को पहले इकट्ठा करेगा जिनमें दिव्य गुण होंगे ज्यादा। अगर आसुरी गुण देखने में आते हैं, लक्षित होते हैं, तो उनको ठहराया जाता है, थोड़ा समय ठहरो। उनको भी देवता बनाया जाता है? उनको भी बनाया जाता है। कहते ही है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटे ही कांटे मिलते हैं, बंदर ही बंदर मिलते हैं। और ब्राह्मण ड्यूटी कैसे करते हैं? ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? फिर ये सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को मिला के प्रवृत्ति बनती है। और हमारे वार्तालाप में बोला है कि असुरों की बुद्धि देवताओं से ज्यादा तीक्ष्ण रहती है। आसुरी बुद्धि तामसी होती है और देवताओं की बुद्धि सात्विक होती है। आसुरों में देह अभिमान ज्यादा होता है तो देह भी बुलंद होती है। इस्लाम धर्म आया तो लंबे चौड़े शरीर वाले आए या देवताओं से छोटे शरीर वाले आए? लंबे चौड़े शरीर वाले आए। रामलीला दिखाते हैं तो रावण को बहुत बड़ा बनाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। ये लेफ्टिस्ट हैं, देह अभिमानी, देह को ज्यादा महत्व देने वाले हैं। और जगन्नाथ का बड़ा बेटा सुभद्रा जो पूर्व रथ में राहु क्यों बैठा? जगन्नाथ के परमात्मा जो तीनों रात है ना, उसका ऊपर राहु दिखाया। हाँ, उसका देवत्व क्या है? वो जगन्नाथ जो है वो कलियुग के अंत में जगत का नाथ बनता है या सतयुग के आदि में जगत होता है? ये सारा जगत कब होता है? है अंत में होता है। तो कलियुग के जगन्नाथ हैं, श्रीनाथ सतयुग के हैं। वहां राव ऊपर होने की बात ही नहीं। राहु का ग्रहण कब लगता है? सतयुग में या कलियुग में? कलियुग में ही लगता है। तो राहु पर चला जाता है। और राहु की दशा ऊंची होती है तो जगन्नाथ को दर दर भटकना पड़ता है। आत्मा का ज्ञान, तब आत्मा का पूरा ज्ञान और तब बाप के ईश्वर याद नहीं आ सकती। मतलब आत्मा का पूरा ज्ञान ना हो, आत्मा का सब बात के एक याद नहीं आ सकती, मतलब ज्ञान को पानी का हो और भोजन को मतलब व्याप को भोजन का दो, शक्ति को भोजन दो, व्याप से मिलती है तो कहीं आत्मा तो शुद्ध को ज्ञान में पूरी रुचि नहीं होती, लेकिन याद में बैठते मतलब याद करते है बाबा, तो ज्ञान के साथ तो मतलब इतना ज्यादा रुचि नहीं देते ज्ञान सुनने में करने में, उनकी याद तो ज्ञान कोई ज्ञान में तीखे होते हैं, कोई याद में तीखे होते हैं, लेकिन ज्ञान जिनमें संपूर्ण होता है तो याद भी संपूर्ण होगी, ज्ञान अधूरा होगा तो याद भी अधूरी होगी। पहचान के आधार पर ही याद होती है। जितना जितना ज्ञानी होगा उतना बड़ा योगी होगा। पहचान माना ज्ञान, पहचान ही पूरी नहीं है तो याद भी पूरी नहीं हो सकती। नीचे आ गई है या अभी जनसंख्या बढ़ती जा रही है या ठहर गई है? फिर आ रही है ना। एक क्लास में बाबा ने कहा था कि आत्माएं जब आ जाती है तब मैं आता हूँ। आत्माएं आ जाती हैं का मतलब ये है कि आत्मिक स्थिति में रहने वाले 33 करोड़ देवताएं जब नीचे आ जाते हैं फिर मैं आता हूँ। दुनिया की आबादी मुरली में 500 550 करोड़ बताई, फिर कहीं कहीं 700 750 करोड़ भी बता दी। इससे साबित होता है कि 500 550 करोड़ तो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं और बाकी सब 200 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, अभी अभी आए और अभी अभी गए। और सुल्तान से शांतिवन कैसे जाएगा? 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 शांतिधाम, सुखधाम से शांतिधाम जाते हैं, सुखधाम से शांतिधाम थोड़े ही जाते हैं, शांतिधाम से सुखधाम जाते हैं। पहले आत्मा को शांति चाहिए या सुख चाहिए? एक आदमी के एक हाथ में आग रखी हुई है और दूसरे हाथ में रसगुल्ला रखा हुआ है। रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है, सुख आता है, तो पहले वो क्या करेगा? रसगुल्ला खाएगा या आग से छुटकारा पाएगा? पहली जरूरत शांति की है या पहली जरूरत सुख की है? पहले शांति आत्मा को चाहिए। ये सारी दुनिया शांत है, अशांत दुनिया को पहले शांति धाम चाहिए। जब शांति मिल जाती है तब सुख की चाहना होती है। तो उल्टी बात नहीं, सीधी बात है। पहले शांति धाम जाना, फिर सुख धाम आना। और लेना और दवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्षा वर्षा लेना और दवाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का वर्षा तो 4.5 लाख भी लेंगे, वो प्रजावर की आत्माएं होंगी या राज परिवार की आत्माएं होंगी? प्रजावर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो संदेश लेके चले जाते हैं, पवित्र भी नहीं रहते हैं, वो भी सुखधाम में आ जावेंगे, पैराडाइज में आ जावेंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पावेंगे। ऊंच पद वो पाते हैं जो संदेश लेने के बाद पुरुषार्थ करते हैं राजयोग का। जन्म जन्मांतर की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसमें मेहनत है। प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं है। इसलिए मुरली में कहा, अव्यक्तवाणी में भी बोला, कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। ज्ञान में तो आ जावेंगे, लेकिन क्या ऊंच पद भी पावेंगे? हैं? ऊंच पद नहीं पावेंगे, प्रजावर्ग में आ जावेंगे। और मैं आपको ज्यादा याद करता हूँ तो मुझे सपने भी पड़ते हैं हमेशा। तो अभी मुझे 1938 का मुझे एक आर्टिकल में पढ़ा कि इसमें राम वाली आत्मा, दो माताएं बैठी है और ब्रह्मा बाबा बैठे, तो दो माता और राम वाली आत्मा का मुझे चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, और ब्रह्मा का चित्र मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मुझे क्या? अब आपको जो दिखाई दे रहा है आप ही मंथन करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद करके वो भी सुनने शायद देख रहा हूँ। हम तो स्वप्न और साक्षात्कार की बातों को मानते ही नहीं, फिर भी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। स्वप्न और साक्षात्कार में जाना ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। आपकी याद आती है ना, मुझे याद में रहता हूँ तो वो स्वप्न मुझे पड़ते हैं ना, उस वक्त मैं शायद उसमें सामने था। मेरी याद क्यों आती है? शिव बाबा की याद करो। शिव बाबा निराकर को याद करता हूँ। हाँ वो ठीक है। हाँ तो बाकी माउंट अबू में दादी जिन्हें ब्रह्मा प्रवेश करते तो दादी का चेहरा पूरा बदल जाता है। हाँ? तो अभी राम वाले आत्मा सामने तो ब्रह्मा ऐड जो उसका चेहरा क्यों क्लियर नहीं होता? वो जो जैसा है वैसा ही रहता है। निरूप स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है या आकारी स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है? हैं? बीज रूप स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रह्मा की सोल आकारी स्टेज वाली है, बीज रूप स्टेज वाली नहीं है। और राम वाली आत्मा सारे षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष में बीज रूप स्टेज वाली है या आकारी स्टेज वाली है? बीज रूप स्टेज वाली है। बीज माना बाप, तो बाप में ज्यादा ताकत होगी या आकारी साकारी में ज्यादा ताकत होगी? बाप में ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत वाले का संग कम ताकत वाली आत्मा आकर के करेगी तो उसके जैसा बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो ब्रह्मा की सोल जो आकारी स्टेज वाली है वो राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही क्या बन जाती है? निराकार बन जाती है। निराकार आत्मा जैसे शिव है, वो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण करने के कारण कब आती है कब चली जाती है किसी को पता नहीं पड़ सकता। गुलजार दादी में जब जाती है तो आकारी स्टेज में जाती। ये आकारी स्टेज दूसरी कैटेगरी की आत्माओं की है। चंद्रवंश से लेकर के और दूसरे वंश की जो भी आत्माएं हैं वो सब कमजोर स्टेज वाली हैं। चंद्रवंश में थोड़ी सी आत्माएं हैं जो बीज रूप स्टेज को धारण कर लेती हैं, क्योंकि सूर्यवंशियों से मिलकर के एक हो जाती है। जैसे विजयमाला की आत्माएं बाकी तो सब प्रभावित होने वाले हैं और धर्म वालों से और छोड़ना पड़ेगा। अच्छा मतलब अच्छा पहन के तैयार होना, खाना अच्छा खाना, वो भी भक्ति मार्ग है। ज्ञानी है तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि दुनिया की जितनी भी पैदाइश है सब में बांट करके खाना अच्छा है या हम ही सारा खा जाएं वो अच्छा है। बांट करके खाना है। अगर अज्ञानी है तो वो मिल बैठ करके बांट के नहीं खाएगा। इसलिए श्रीनाथ को पश्चिमी सभ्यता में दिखाया है। पश्चिम में मंदिर बना हुआ है और जगन्नाथ को पूर्व में मंदिर बना हुआ है। पूर्वी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली है, पश्चिमी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली नहीं है, देह अभिमानियों की स्टेज है। वो आक्रामक हैं। भारतवासी आक्रामक नहीं होते हैं। जियो और जीने दो। और पश्चिमी सभ्यता वाले हम जिएंगे लेकिन सबको जीने नहीं देंगे, ऐसी स्टेज वाले होते हैं। विदेशियों ने हिस्ट्री में जो आक्रमण किए हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, उससे क्या साबित होता है? वो जीना जानते हैं कि जीने देना भी जानते हैं, है? जीना जानते हैं। वो स्वार्थ के लिए जीते हैं और भारतवासी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। उनका नारा ही है जियो और जीने दो। छत्तीस प्रकार के भोजन खुद खा लिए। और दुनिया के ऊपर नजर नहीं दौड़ाई कि दुनिया में और भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जिन्हें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो उनकी बुद्धि ज्ञान में चलने वाली है या बुद्धि जाम है? क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि जाम है। जाम बुद्धि वालों को जामड़ी बुद्धि कहते हैं, ये बैल बुद्धि है।